हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार मैं हूँ रजनी चौधरी और ये है मेरे साथ मेरे दोस्त राहुल राजपूत। अब हम दोनों बहुत सारी चीज़ों में लड़ाई करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती चीज़ है मुझसे, जो सबसे मेन सवाल पूछा गया है कि भैया आपने डिफेंडर क्यों नहीं खरीदी, आपने BMW X7 क्यों खरीदी, इसका जवाब देंगे हम आज इस वीडियो में। ठीक है राहुल? तो राहुल है अपनी डिफेंडर के साइड में और मैं हूँ अपनी BMW X7 के साइड में। फाइट नहीं है यार, क्योंकि गाड़ी लवर हम दोनों हैं। ऑटोमोबाइल में मैं हूँ तो मुझे तो हर गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ये भी बहुत अलग ही क्लास है, अलग ही चॉइस है मेरी। ये भी अलग ही क्लास है, अलग चॉइस है मेरी। गाड़ियों में कंपैरिजन हम आपको बताएंगे स्पेक्स के ऊपर कि कहाँ पर कौन सी गाड़ी थोड़ी डाउन जाती है, थोड़ी गाड़ी कोई अप चली जाती है। लेकिन यस, अगर इंडिविजुअल चॉइस की बात करेंगे तो हर इंसान की अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कार की की से। राहुल, मेरी कार की ऐसी है, आपकी कैसी है? देखिए, मेरे को स्मार्ट की मिलती है, बड़ी स्मार्ट सी, और राहुल को तो यार बड़ी नॉर्मल सी की मिली है ना। नॉर्मल मिलनी ज्यादा बेटर है क्योंकि मुझे पॉकेट में ऐसे रखनी पड़ती है ना। ये भी पॉकेट में चली जाती है। तो आप कैसे रखोगे? रख के मेरे पास तो पर्स होता है। चलो ठीक है, राहुल जीत गए, यहाँ पे पॉकेट में रख लेते हैं, इसको नहीं रख पाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। अब आते हैं हम दोनों कार के फ्रंट प्रोफाइल्स पे। फ्रंट में राहुल, मेरे पास लेजर LED हेडलैम्प्स है, आपके पास तो LED हेडलैम्प्स है? जी मैम, ये तो है, मेरे लेजर है। बिल्कुल लेजर आपका है ना? हाँ जी। देखा, फिर एक पॉइंट कट गया राहुल का यहाँ। कोई बात नहीं। फ्रंट ग्रिल की अगर हम लोग बात करेंगे, मेरी बहुत सुपर स्टाइलिश ग्रिल है, राहुल की भी बहुत स्टाइलिश ग्रिल है, लेकिन थोड़ा सा सोबर साइड में आती है। इस कार का लुक डिफेंडर का एज कम्पेयर टू X7 आपको ज़्यादा अग्रेसिव लगेगा। बहुत मस्कुलर कार लगती है ये, बहुत रगेडनेस की तरफ है। मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ फ्रंट प्रोफाइल की, तो डिफेंडर को मैं ज़्यादा पसंद कर रही हूँ एज कम्पेयर टू X7। ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन उसका थोड़ा सा ज़्यादा ही है ना, खतरनाक सी लग रही है, ऐसा लग रहा है खा जाएगी तुम्हें। लेकिन राहुल, एक जो चीज़ है ना देखने वाली बात, मेरी थोड़ी सी ऑपरेशनल ग्रिल है। मेरे में क्या है, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ग्रिल है जो हमारी ओपन हो जाती है। आपके में ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना? नहीं मैम, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है ना? नहीं। देखो फिर से हार गए। मैंने इतनी अच्छा है, नहीं है, लेकिन तब भी दिखने में बेटर सुंदर ये लग रही है। हेडलैम्प्स की अगर बात करते, चलो आप अपने ऑन करो। X7 बहुत स्टाइलिश तरीके से ऑन होते हैं, जिसमें आपका ब्लू सेगमेंट ऑन होगा, फिर आपका DRL ऑन होगा, और उसके बाद पूरा लाइट ऑन होता है। और राहुल का भी बहुत स्मार्ट है, जिसमें हमारे DRL इस तरीके से ऑन हो जाते हैं। और दोस्त, अगर हम लाइट के प्रोजेक्शन की बात करेंगे, तो देखिए लाइट का थ्रो दोनों कार्स का बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास LED हेडलैम्प्स है, ये लेज़र है, ये अपग्रेडेड हेडलैम्प्स होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट वाइज भी X7 हमारी विनर है ना राहुल? हाँ, थोड़ा बहुत तो अंतर रहेगा, मगर रात को तो देख ही लेंगे। रात को तो देख लेंगे। अब देखो, इसके बहुत स्टाइलिश लगेंगे हेडलैम्प्स, और इसके भी स्टाइलिश लगेंगे, लेकिन हेडलैम्प में मुझे X7 अच्छी लग रही है। ठीक है, बिल्कुल तो एग्री करो यार मेरे साथ। ठीक है। साइड प्रोफाइल पर जब हम लोग आते हैं, तो देखिए साइड प्रोफाइल में X7 में 21 inches डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, और इसके कट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल है। सिल्वर और ब्लैक का बहुत स्मार्ट यूज़ किया गया है। सेंटर में BMW की बैजिंग दी गई है। डिफेंडर को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 20 इंच के अलॉय व्हील्स है, इसमें आपको अलग अलग और भी ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पर जो अलॉयज़ का डिज़ाइन है वो भी बहुत स्टाइलिश है, लेकिन थोड़ा सा मुझे सोबर साइड पे लगा। X7 ने ज़्यादा मेहनत कर दी अपने डिज़ाइनिंग के ऊपर, और वो कई चीज़ें इसलिए भी है इस कार के अंदर, X7 की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये लग्जरी सेगमेंट थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सी कार है, तो थोड़ी सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर डिफेंडर में हमारा थोड़ा सा रगेडनेस की तरफ ध्यान दिया गया है। बूट स्पेस की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्त, तो गाड़ियों में दोनों में बूट स्पेस बराबर ही ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आप सिटिंग की बात करेंगे, लास्ट रो सिटिंग की, तो डिफेंडर में बच्चे बैठ सकते हैं। सिर्फ बच्चे बैठेंगे, दिखाओ ये तो। लेकिन अगर आप बैठते हैं BMW X7 की लास्ट रो में, और इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, राहुल की कार में हमें हर चीज को रस्सी से खींच कर नीचे ऊपर करना पड़ रहा था। यहाँ पे देखो कोई रस्सी वस्सी तो नहीं है। प्राइस के हिसाब से देखो ना। नहीं, अब प्राइस कहाँ से आ गया भाई? नहीं, प्राइस तो पहले प्राइस इन्वॉल्व होता है मैम। ओके चलो, तो राहुल ने थोड़ी सी हार मानी। यहाँ पे काफी सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है। ये हमारी सीट ऊपर नहीं हो रही थी, क्योंकि जब तक वो सीट अपनी पोजीशन पे नहीं गई, तब तक ये सीट भी ओपन नहीं हो रही थी। राइट, देखा तुमने ये सारी चीजें। और तुम्हारी कार में पीछे जाने के लिए कैसे जाते हैं पीछे? मैं तो अभी गया हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ। मैं गया ही नहीं हूँ। ये देखो, अनलॉक भी इतनी देर में हो रही है। अरे वो हो गई थी, उसकी वजह से। अगर आपको पीछे की तरफ जाना है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से,
कि आप नीचे करेंगे और ये इसमें टिप एंड टम्बल है और थोड़ा सा सीट आगे मूव करेगा, टिप एंड टम्बल नहीं सॉरी, सीट आपका मूव कर जाएगा, आप यहाँ से पीछे चले जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं BMW X7 में किस तरीके से आप पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सीट, उसके अंदर आपके सिंगल बेंच सीट है डिफेंडर के अंदर, यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स मिलती है और कैप्टन सीट ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। राहुल को ये कुशन भी नहीं मिलता, ये बहुत कंफर्टेबल है, मुझे जरूरत ही नहीं है बच्चों को अगर पीछे जाना, उसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको बच्चे पीछे यहीं से चले जाएंगे दोस्त। और अगर किसी बड़े को जाना है तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, देखिए आपकी सीट्स की मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई है, वो सीट जाएगी थोड़ी सी आगे, अब ये जाएगी आगे, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है इसमें, है ना जी बिल्कुल। और अब ये ऐसे करके उड़ जाएगी और अब मैं आराम से यहाँ पर पैर रख के और इतनी सारी जगह में से अंदर चली जाऊं, बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट। और आपको इसको क्लोज करना है तो सिंपल आप बस सीट को पीछे करेंगे और ये वापस अपनी पोजिशन ले लेगी। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर काम किया गया, तभी मैंने बोला ये लग्जरी सेगमेंट है, वो हमारी रगेड सेगमेंट है कि भैया करो थोड़ी सी जान लगाओ सीट को आगे पीछे में भी आ जाती है ना। हाँ हाँ राहुल अब तू फिर से देख, देख भाई इधर देख, तेरी कार में ये नहीं है ना ये ऑटोमेटिक सन ब्लाइंड्स, बिल्कुल राहुल राहुल मुझे जरूरत नहीं है इसकी, जरूरत ही नहीं है ऑटोमेटिक सन ब्लाइंड्स मिस करती है वो। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया स्क्रीन मिलते हैं दोनों, बहुत अच्छा है ना, ये भी उसके अंदर नहीं है हमारे पास कुछ चीजें। वो कार स्पोर्ट में भी आती है, वो स्पोर्ट है, वो रगेड है, बिल्कुल स्पोर्ट। जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि क्यों नहीं खरीदते, उनको आई थिंक सारे जवाब मिल रहे होंगे। अब आइए फ्रंट पे, ये है राहुल इसका हमारा फ्रंट कंसोल, फ्रंट हमारा सारा जहाँ पे सारा तमझाम है इस कार का। यहाँ पर हम दोनों के पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बराबर है, एयर सस्पेंशन है हमारे पास, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो है। मेरी कार में पहले वायरलेस चार्जर नहीं आ रहा था लेकिन मुझे बाद में BMW ने प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद ये सब बाकी सब चीज़ें बहुत सेम हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी यहाँ पे चीज़ आती है वो है यहाँ पर जो इस कार का फील है, दैट इज़ वेरी प्रीमियम। और तुम्हारी कार में वो काफ़ी सारा हमारा रगेडनेस की तरफ है, गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा ना मस्कुलर सा फील कराती है हर जगह। मेरा गियर नॉब देखो राहुल, ये तो विलार में भी ऐसे ही दे रखा है, विलार में ऐसा नहीं, वो अलग है, ये विलार में बढ़िया ऐसे ही है, मैं देख कर ऐसे कैसे राहुल ऐसे कैसे, वो स्पोर्ट कार है, मैं अब भी बोल रहा हूँ हाँ इंटीरियर दोनों कार्स का बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये अगेन लग्जरी सेगमेंट की तरफ ज़्यादा आ जाती है, प्रीमियमनेस और कहेंगे सोफेस्टिकेशन की तरफ इंक्लाइंड व्हीकल है ये, वो थोड़ा डिफरेंट व्हीकल है। हाँ एक और चीज़ में हारोगे राहुल जी, मैडम मेरा जो सनरूफ है ना उसमें स्टार लाइट है, तुम्हारे में है, और मेरी लाइट्स भी देखो कितनी स्टाइलिश है, जो मेरा सनरूफ है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक तो ये है हमें खासियत इसके अंदर, ऊपर से इसके अंदर स्टार लाइट है पूरे में, नहीं पूरा खुलता है क्या? हाँ पूरा खुला है, जो लाइट है ना ये सारी जल जाती है रात को, बहुत मजा आता है। तो तुम लड़कों के लिए तो बहुत अच्छा था, अब बैठ के पार्टी करो अंदर है ना हमें तो खुलने में आदत है, उसे खुलना नहीं है खुलने में आदत है, यानी पूरा खोल के बाहर निकल, पूरा बाहर। तो यहाँ पे एक स्टार लाउंज भी आपको मिलता है, ठीक है चलो अब आते हैं डिफेंडर में, उसका भी बहुत स्टाइलिश है। अब हम जो चीज़ें मिस कर रहे हैं X7 के अंदर वो है इस टाइप की चीज़ें, ये जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, ये सीढ़ी वीढ़ी, राहुल को तो ऊपर चढ़ गए गाड़ी साफ करनी है, इसका पर्पस ये था, मुझे इतनी हंसी आई, मेरे को नीचे 1.5 लाख रुपए की सीढ़ी लगवाई है मेरे को नीचे अब ये गाड़ी जो साफ करेगा वो चढ़ेगा ना, हाँ वो चढ़ेगा, उसको यूज़ भी नहीं करना है। और अगर हम फ्रंट में बात करें कार की तो इसका इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, कार काफ़ी स्मार्ट लगेगी आपको। ये हमारा है डिफेंडर का इंटीरियर, और देखिए इसका जो प्लेसमेंट है ना, ये जो आपको गियर नॉब वगैरह दिए हैं, ये बहुत आपको स्पोर्टियर कार की तरह आपको फील कराएंगे, ये आपको सेंटर में ना देके फ्रंट में दिए गए हैं, जो बहुत इसको नेक्स्ट लेवल अपील दे रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्त इन गाड़ियों के प्राइस की, एक्स शोरूम की हम लोग बात करते हैं। इस कार का एक्स शोरूम राहुल 96 लाख है, इस कार का एक्स शोरूम है आपका 1,19,00,000। नेक्स्ट बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के इंजन की, डिफेंडर हमारी है 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ, ये गाड़ी आपको मिलती है, 300 हॉर्स पावर आपको मिल जाती है और 400 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पर 2 लीटर 4 सिलेंडर है, यहाँ पर 3 लीटर 6 सिलेंडर है जो आपको पावर देती है 335 की, और आपको टॉर्क मिल जाता है 450। थोड़े से स्पेक्स हाई हो जाएंगे क्योंकि इंजन बड़ा है, सिलेंडर ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा पावरफुल व्हीकल है। इन टर्म्स ऑफ डायनामिक स्पेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो X7 को नहीं बीट कर पाएगी हमारी डिफेंडर, लेकिन जब ऑफ रोडिंग करेंगे ना तो धो देगी इसे,
तो खींच के ले जाएगी, इसे उड़ती भी जाएगी उसके पीछे पीछे. तो इसलिए हर गाड़ी का सेगमेंट बहुत अलग होता है, अलग तरीके का कंपटीशन होता है. ये दोनों गाड़ियाँ बहुत डिफरेंट सेगमेंट है. ये सोफिस्टिकेशन प्रीमियमनेस की तरफ जाती है, ये गाड़ी रगेडनेस की तरफ जाती है. प्राइस में वेरिएशन है, ऑब्वियसली ये गाड़ी सस्ती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने जो बातें की, जैसे स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं कि फ्लैप खुल जाते हैं, सीट्स में ऑटो एडजस्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें लगाई गई है जो इस गाड़ी के अंदर नहीं है, तो वहाँ से आपका प्राइस कम हो जाता है. और बाकी तो दोनों गाड़ियाँ लव, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग व्हीकल्स हैं. अब राहुल से एक बार ड्राइव करवाते हैं X7. चलिए राहुल आ जाओ. ओके okay. लो